हैंडलूम रहता, वो अभी सब कास्ट का लोग काम करते था पहले ये गांव में। अभी तो जनरेशन चेंज हुआ तो अभी ये काम छोड़ के दूसरे काम के चल रहे हैं। हमारे लोग ये काम करने का पुराने से आया, पुराने से काम करते हैं, वो हमें नहीं छोड़ गया। इसलिए एक हैंडलूम में चार लोग काम करते हैं ना, वैसा हमारा पेट भर नहीं भरते। इसलिए वो मशीन में काम सीखा, मशीन में काम कर रहे हैं। वो काम में एक दिन को 2 साड़ी बनते, 400 पगार मिलते, इसलिए वो काम को इंटरेस्ट देता है। अभी ये हैंडलूम को गवर्नमेंट का भी ये क्या भी फायदा नहीं, और एक कोई सा भी अनुदान वो नहीं मिलता है हमें काम करने का, वो जाने का, पगार देने का, लेने का, ये कर रहे हैं। पुराना से 40 साल हुआ ये मशीन, ये हैंडलूम। हाँ, पहले करते थे, वो छोड़ के अभी पार्लम का काम कर रहे हैं। इसमें फायदा नहीं है, 2 दिन की 1 साड़ी हुए तो हमें पेट क्यों भरेगा, इसलिए वो पार्लम में मैं काम कर रहे हो। इसको 2 दिन को 300 पड़ता है 1 साड़ी बनाए तो, पार्लम में 1 दिन को 2 साड़ी बने तो 1 दिन को 400 पड़ता है पगार। हमारे गाँव में 35 पार्लम्स है, वो दूसरा काम हमको नहीं आते करने का। पहले से हमारा कास्ट को ये काम कुल कस्ब बोलते हैं इधर, पहले से हमारे ये काम में आएगा हमारा कास्ट। ये काम छोड़ के दूसरा काम हमको नहीं आते, फिर हमारे पढ़ने का भी कम, नौकरी लेने का भी कम, इसलिए ये काम करने का जाते है जाते है जाते है। हमें 8 बजे चलते हैं, शाम को 6 बजे तोड़ते हैं। सुबह में उठ के पकाने का, हाँ, दोपहर के तो ना पकाने का होता, दोपहर से ये करते काम, अगरबत्तियाँ, नूल बनाते हैं, वो काम ऐसा कंडकी बोलते हैं उसको। शादी हुई तो हमें बच्चे को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, हमें छोड़ता इधर को क्या फायदा नहीं, तो इसमें गवर्नमेंट का भी सहूलत नहीं मिलता है, क्या करेगा हम। क्या भी सहूलत नहीं मिलता है इधर हमको। बैंक में गए तो ये वीवर्स का काम गए तो हमको लोन दे बोले तो नहीं मिलता, और राज्य सरकार में हमारा क्या तो भी एक बात नहीं कर रहा, कल ये बजट मंडने करे तो, इसलिए काम का हमारे घर पुराना करे, इसलिए आजू बाजू को कारखाने का शब्द होता है वो नहीं, ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन करता है आजू बाजू घर वाले, इसलिए हम नहीं डालते घर में। वो हमारा साहूकार घर में काम करते आते, ये साड़ी 2 दिन की 1 होता है, उसमें 1 दिन को 2 साड़ी होता है, वो फास्ट ये स्लो। इस हैंडलूम को जगह बहुत होना, इस जगह में 4 पावरलूम बैठता है घर में, डाले तो एक हैंडलूम डाले तो एक इधर, इसलिए जगह भी कम होता है, फायदा भी जास्ती होता है, काम भी मिलता है। एक आदमी 2 मशीन रनिंग करे, मशीन को अभी ये रनिंग बोले 1,20,000 पड़ता है एक, उसको हमें डालने को पैसे होना, एक मशीन को, खाली मशीन को
1,20,000 rupees देना फिर उसको कच्चा माल रॉ मटेरियल देने को पैसे होना वो करंट लेने को 30,000 देना केबी वाले को इसलिए पैसे बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हमने एक वो इंटरेस्ट नहीं दिया वो काम करते हैं ना सौकार घर में काम करके आते हैं पैसा पकड़ लेकर आते इस्टे यहाँ से वो खाज कर्नाटक आल कर्नाटक जाता है महाराष्ट्र को जाते हैं महाराष्ट्र को भी जाता है ज़्यादा बोले तो नहीं लेता है नहीं लेता इधर तो क्या हो गया ये सब रॉ मटेरियल का रेट बढ़ाए तो हम साड़ी का रेट बढ़ाए तो लेने वाले को प्रॉब्लम होते तकलीफ होते ज़्यादा हो तो लेता नहीं के ज़्यादा हो को हम वो ज़्यादा बोले एक के जी को 3,500 ऐसा मिलता रॉ मटेरियल फिर एक चैना आइटम आएगा वो 400 पर के जी उसमें 250 ग्राम डिगम जाता है 750 ग्राम सिल्क डिगम जाता है 750 ग्राम सिल्क बनता है उसमें GST इंक्लूडेड 5% साड़ी का दाम नहीं बढ़ व्यूअर्स को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो उसको एक ट्रेनिंग दे के स्टाइपेंड दे के उसका सर्टिफिकेट हमारा पापा मम्मी घर में काम करते हैं वेविंग वो देख के हम सीखते हैं वो सीखने के बाद हमको आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं रहता इसलिए हमको बैंक में वो तो गवर्नमेंट का एक फैसिलिटी हमको नहीं मिलता है वो सर्टिफिकेट रहे तो आइडेंटिफिकेशन रहे तो गवर्नमेंट का फैसिलिटी मिलता है इसलिए ये प्रॉब्लम मेजर है पहले ये हैंडलूम का काम करना का लोग कहता ना वो करते थे अब वो लोग कम हो गया उसका बच्चे अब जो न्यू जनरेशन है ना वो काम करने के लिए वो मना नहीं करते इसलिए वो हैंडलूम का प्रोडक्शन डाउन हो गया इसलिए वो प्रॉब्लम को अडॉप्ट हो गया अब हाँ प्रॉब्लम भी उतना फास्ट मूविंग मोमेंट नहीं है इसलिए अगर को गवर्नमेंट ले कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है बट पहले क्या होता था सब्सिडी मिलता था वो भी अब बंद हो गया वो इसलिए सब हैंडलूम का प्रॉब्लम का बिजनेस डाउन हो गया प्रोडक्शन भी डाउन हो गया तो ये अब 8-10 वर्ष पहले मिलता था 3% इंटरेस्ट पर लोन मिलता था उसको सब्सिडी मिलता था अब क्या है जवली डिपार्टमेंट है ना वो मेंबर के लिए पर्टिकुलर सर्टिफाई करने का वो इसलिए क्या बोलते हैं वो सर्टिफिकेट ले कर आने के बाद वो सब फैसिलिटी मिल रहा है इसलिए सब जा को ले कर आने का बहुत तकलीफ होता है छोटा लोगों को बड़ा लोग को ले कर आते हैं छोटा लोगों को पैसे दे को ले कर आने का प्रॉब्लम होता है इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया हैंडलूम का साड़ी प्रोडक्शन का ये मेजर प्रॉब्लम